वेस्ट इंडीज ने ले लिया बदला, नेपाल को मिली पहली हार, लेकिन रोहित पौडेल ने अपने अनोखे शॉट से मचाई हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आज हुए नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे मुकाबले को वेस्ट इंडीज ने 10 रनों से जीतकर सीरीज को 1-1 में बराबर कर दिया है। आज के मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था और पहले बैटिंग करते हुए कुछ ओवर्स तक वेस्ट इंडीज की टीम नेपाली स्पिनरों के सामने बेबस नजर आई, लेकिन उसके बाद फ्लेचर की 43 रन और आंत के ओवर्स में गुड़ाकेश मोती के 8 गेंदों पर 33 रन के चलते वेस्ट इंडीज ने एक सम्मानजनक स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगा दी। बॉलिंग विभाग में सागर ढकाल, कुशल भुरतेल को 2-2 सफलता मिली, वहीं दीपेंद्र सिंह और सोमपाल कामिको को 1-1 सफलता मिली। उसके बाद दूसरे इनिंग्स में 160 रनों का पीछा करते हुए नेपाली टोली की शुरुआत उस्तारा नहीं पाई जिस तरह सोची जा रही थी, लेकिन बावजूद इनफॉर्म कप्तान रोहित पौडेल ने फिर एक बार टीम के लिए वन मैन आर्मी बनकर अंत तक लड़ते रहे। रोहित को वह पार्टनरशिप मिल नहीं पाई जो आज जीत के लिए चाहिए थी। हालांकि गुलशन झा ने बीच में आकर एक छिटी सी कैमियो पारी खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाई। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, मैदान पर अकेले रोहित के अलावा और कोई भी बल्लेबाज अपना जलवा नहीं दिखा सका। उसी तरह मैदान पर आज रोहित ने एक ऐसा शॉट मारा कि उस शॉट को देखकर सारे खिलाड़ी चौंक गए, क्योंकि वह शॉट बहुत अजीबोगरीब था। ऐसा शॉट जो कि शायद आज तक कोई नहीं मारा होगा। हालांकि इस शॉट का क्या नाम अभी तक रखा नहीं गया है, लेकिन आप कमेंट्स करके बताना कि ये शॉट को आप क्या नाम देंगे। और इस तरह की शॉट आज सीएसके के एक बल्लेबाज डैरल मिचेल के तरफ से भी देखने को मिला है। तो आज कप्तान रोहित की सराहना जरूर करनी होगी, क्योंकि रोहित बैक टू बैक वेस्ट इंडीज बॉलरों के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और लगातार 50 से अधिक औसत से रन स्कोर कर रहे हैं। जहां दूसरे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं नेपाली बैटर रोहित वेस्ट इंडीज बॉलरों की छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रोहित कुल 2 परियों में 183 रन लगा चुके हैं और इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर की सूची में है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगले 3 परियों में भी हमें रोहित का जलवा फिर से देखने को मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।